1008 आचार्य भगवान फारसचंद जी महाराज साहब जिनका जन्म दिवस आज हम मनाते हैं 61वां जन्म दिवस परम पूज्य पद्मभूषण जी महाराज साहब का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सभी आज एकत्र हुए हैं और ये अंदाजन का जो कार्यक्रम हमने किया है वो हम कर रहे हैं। तो उनके चरणों में कोटेश्वर नमन वंदन, सभी साधु संतों के चरणों में कोटेश्वर नमन वंदन, सामने बंदर के चरणों में कोटेश्वर नमन वंदन। सभी मेरी सहजन है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी। आज हमारे बीच में दो जिनके अंदर जो कला होती है ना, वो दो महिलाएं उपस्थित है। एक तो उषा जी हमारे बीच में उपस्थित है और दूसरे मोनिका जी। दोनों मीता जी इन्होंने जो वीडियो आया था यूट्यूब पे ध्यानी करके एक क्रिश्चियन है, उसने आके अपने बकरी के दिन जो बकरियों को हम बचाते पैसे देते, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने बहुत ज़्यादा गंदा मैसेज पास किया था अपने नई तरफ के बारे में। तो हम सबने भी देखा और हम उसको फिर से कमेंट किए कि भाई ऐसे नहीं करना, जो भी हमको जो बुरा लगा हम बोले। लेकिन मोनिका जी इन्होंने उसको उस आदमी का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला था स्टैंड अप कॉमेडी का, उसको स्टॉप करवाया। चेन्नई में होने वाला था, वहाँ पे जाके इन्होंने स्टॉप करवाया। इमीडिएटली हैदराबाद जा रहा था, फ्लाइट पकड़ी और वहाँ पे भी उनका वो सेशन होने वाले था, उसको भी देखा। और फिर उसने सोशल मीडिया पे अपोलोजाइज किया, उसके बाद उसके प्रोग्राम होने लगे। तो ऐसे मोनिका जी को यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराते बहुत खुशी हो रही है अपने जैन धर्म की बच्ची। थोड़ी सी मेरी जवानी बताती हूँ कि मैं भी आप लोगों जैसी थी, एक घरेलू लड़की, स्टडीज कम्प्लीट की, सबके पेरेंट्स जब अपने बच्चे की बात आती है क्या सोचेंगे, पढ़ाई हो गई, जॉब क्या करना, शादी करके भेजना है, मतलब वही हो गया नेचुरल, वही चीज है आज अपने जनरेशन में और अपने समाज में। ये चीज सबसे बड़ी आती है जो पेरेंट्स सोचते हैं कि अपनी बच्ची बड़ी हो गई, पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, और उसके आगे क्या, फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं, उसकी जिंदगी वही ठीक चले जाती है। मगर पुरानी सोच अगर आज भी चलेगी तो शायद पीछे और कोई दिखेगा ही नहीं जो आगे आएगा इस चीज के लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जब मेरी सगाई हुई थी तब मेरे हस्बैंड, मतलब बुढ़े नहीं थे, तब उन्होंने बोला कि बूढ़े एक एडमिट है। तो हम लोग इतने नेचुरली केसेस देखते ही है कोर्ट में, कितना और आप आगे यही बढ़ते रहे और हमें भी साथ में लेके जाए। अगली बार